लॉकडाउन 3.0 की शुरुआत आज से कर दी गई और इसमें शराब की दुकानों को खोलने के साथ ही कई व्यवस्थाएं की गई हैं। इसे लेकर आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तमाम जिला मुख्यालयों के अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए समीक्षा ली और 3.0 लॉकडाउन की पालना किस तरह से की जा रही है इसे लेकर बातचीत की गई। इस दौरान कानून व्यवस्था को लेकर SCSC होम ने अपना प्रेजेंटेशन देते हुए तमाम जानकारियां भी सभी मुख्यालयों को दी। इस मौके पर अजमेर कलेक्टर में अजमेर जिला प्रभारी सचिव भवानी सिंह देथा, संभागीय आयुक्त लक्ष्मी नारायण मीणा, IG हावा सिंह गुमरिया, कलेक्टर SP के साथ ही अन्य अधिकारी मौजूद रहे, जिन्होंने रेड जोन में आए अजमेर नागौर भीलवाड़ा टाउन को लेकर भी विभिन्न जानकारियां आला अधिकारियों तक पहुंचाई और इस बीच किस तरह की व्यवस्था की जानी है इसे लेकर भी जानकारी दी गई। गौरतलब है कि अजमेर और नागौर रेड जोन में है, वहीं टोंक और भीलवाड़ा ऑरेंज जोन में है, जिसे लेकर सतर्कता और बढ़ाई जा रही है। महोदय की अध्यक्षता में एक VC का आयोजन किया गया था। इसमें जो लॉकडाउन Part 3 लागू हुआ है आज से, उसके बारे में दिशा निर्देश वगैरह जो थे उसमें उन्होंने जो संबंधित ACS थे, ACS होम और ACS इंडस्ट्रीज, उन लोगों ने अपना प्रेजेंटेशन दिया और फिर सभी कलेक्टर्स से बात की गई और ये बताया गया कि क्वारंटाइन में जो लोग रह रहे हैं उनको लोगों को क्वारंटाइन में ला के रखा जाए और जो सुपर स्प्रेडर्स जैसे सब्जी वाले हैं, दूध वाले हैं, इन लोगों का भी सैंपल लिया जाए और जो रेड जोन में हैं वहाँ पे ज़्यादा फोकस करके लोगों के सैंपल्स लेकर के और जल्द से जल्द जो है हम इसमें अपना जितना जल्दी कंट्रोल कर सके इसके निर्देश दिए गए। शराब के ठेकों को लेकर कोई दिशा निर्देश अभी? वो तो पहले ही आया हुआ है। नहीं, आज जिस तरह के सोशल डिस्टेंसिंग के बिना भी शराब की लाइन लगी, बड़ी दुकानों की भीड़ देखने को मिली। हाँ, ये वो पुलिस डिपार्टमेंट को निर्देश दे दिए गए हैं और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही सभी शराब की दुकानें खुली।